तो आज हम बात करेंगे रेमडेसिविर के मेडिसिन के बारे में, जिसको लेकर के पूरे इंडिया में पैनिक मचा हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि रशिया से लेकर अमेरिका और अब तो बांग्लादेश भी हमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन भेज रहा है। तो आपको ये बात समझना होगा कि रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है, इतने इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग है? तो इसका जवाब है कि नहीं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में अभी एंटीवायरल जो दवा होती है दूसरी, उसकी भारी कमी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि WHO से लेकर के बहुत सारे जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात क्लियर किया कि ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग तो है नहीं। फिर भी भारत की जो जनता है वो करीब 30-30 हज़ार या फिर उससे भी ज़्यादा दे करके ब्लैक मार्केट में इसे खरीद रहे हैं। एक और चीज़ है कि जो महाराष्ट्र के वर्धा जगह पे एक एरिया है, वहाँ पर नितिन गडकरी ने यह बोला कि वहाँ पर आप रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी जो है वो बनाई जा सकती है अगर उसमें प्लास्टिक पैकेजिंग का अनुमति मिल जाए तो। तो भाई प्लास्टिक पैकेजिंग अनुमति मिले ना मिले ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी के टाइम में अगर एंटीवायरल ड्रग की भारत में कमी है और डॉक्टर अगर इस दवाई को लिख रहे हैं भारी मात्रा में, तो गवर्नमेंट को इसका अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो निकालना ही चाहिए। हाँ, वो देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक ड्रग बनाते हैं, ऐसे में हमारे पास एक ड्रग का अगर अल्टरनेटिव ना हो तो अटपटा सा लगता है। दूसरा ये है कि जो रेमडेसिविर का जो पेटेंट है वो इंडियन कंपनी के पास नहीं है, वो एक अमेरिकन कंपनी के पास है। ऐसे में जो कंपनी आपस में कोलाबरेट करके कैसे जो महाराष्ट्र के वर्धा जगह पे है वहाँ पे किस तरह से प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये तो आपको आगे इस वीडियो में देखने मिलेगा जो मेरे। कोविड की सेकेंड वेव में रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन था इसकी बहुत शॉर्टेज था, जिसके कारण काफ़ी जगह अस्वस्थता हुई, ब्लैक मार्केट हुआ, अनेक लोगों को मिला नहीं, उनका मृत्यु हुआ। तो हम लोगों ने तय किया कि इसका विकल्प, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। ये पेटेंट प्रोडक्ट था इसलिए इसकी अनुमति मिलना कठिन थी, पर इसमें हैदराबाद की जो कंपनी है हेट्रो, उन कंपनियों ने अपने लिए यहाँ लाइसेंस इनको दिया क्योंकि वो पेटेंट है, और इसकी परमिशन लेते लेते बहुत अड़चनें आई। देश में पहली बार ये जेनेटेक को ही केवल अभी यशस्वी हुए हैं, और इसलिए आज यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ, मैंने अपने आँखों से देखा।